नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं चौहार झारखंड टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि निकाली गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील सिटी, यानी ये फॉर्म जो है दोस्तों सेल बोकारो की तरफ से निकाली गई है। और इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे आगे। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दूँ कि ये जो फॉर्म निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकली है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से निकली है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फॉर्म निकलने का डेट है दोस्तों ये 20 तारीख को ही निकली हुई है। यहाँ पर मैंने आपको बताने में थोड़ा सा लेट कर दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर डिटेल देखते हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट यहाँ पर 302 पोस्ट है दोस्तों, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में। और इसका यहाँ पर क्रम वाइज यहाँ डिटेल दे दिया गया है। देखिए दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ मैकेनिकल में 80 सीटें हैं, मेटलर्जी में 100 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 80 सीटें हैं, केमिकल में 10 सीटें हैं, सेरेमिक में 10 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 22 सीटें हैं, और कुल मिलाकर यहाँ 302 सीटें हैं। यहाँ इसको ओबीसी एसटी और एससी में बांटा गया है, इसको आप सारा डिटेल बाद में देख लीजिएगा। यहाँ मैं कुछ बेसिक डिटेल आपको बता रहा हूँ, और ये पूरा डिटेल आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में देखें, यहाँ पर 8 सीटें हैं दोस्तों, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में 8 सीटें हैं, और यहाँ पर भी एसटी एससी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और कास्ट वाइज यहाँ बांटा गया है, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसके बाद नीचे देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में भी 153 सीटें हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे आगे जाते हैं, एज आपका होना चाहिए दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको 28 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में आपको 30 साल होना चाहिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपको 28 साल होना चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ कुछ कुछ मिल रहा है दोस्तों, एसटी और एससी लोगों को 5 और 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में, यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। आपको देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल सेरेमिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, यानी आपको 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। यहाँ पर मैं बता दूसरा देखिए दोस्तों, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में देखिए मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ 1 फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ बॉयलर कॉम्पिटेंसी, यानी आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ, उसके साथ में फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट इन बॉयलर कॉम्पिटेंसी कोई होता है दोस्तों, इसमें आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में देखिए मैट्रिकुलेशन विथ पास्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट बाई एनसीवीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज ट्रेड अप्रेंटिस इन ए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में कंडक्ट बाय जो कि एनसीबीटी से कंडक्ट होगा, वहाँ से कंप्लीट आपको ट्रेनिंग अप्रेंटिस होना जरूरी है, तभी आप इसमें जा सकते हो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आपका कुछ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड दिया है, ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका दोस्तों यहाँ पर जो दिया है दोस्तों 40% स्कोर फॉर एस टी एस सी एंड ओ बी सी और 50% स्कोर फॉर अन्य। उसके बाद दोस्तों इसमें एग्जाम में पास होने के बाद आपको इंटरव्यू में भी बुलाया जाएगा, एग्जाम होगा दोस्तों आपको दोस्तों 100 नंबर का होगा एग्जाम। देखिए यहाँ पर 100 एग्जाम का OCTT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाला एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का भी होगा। उसके बाद OCT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर में देखिए आपको इसमें भी 100 मार्क्स का होगा। ACTT इसमें भी देखिए दोस्तों इसमें भी 100 मार्क का होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बांटा गया है क्या क्या एग्जाम होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड आपका जो डिप्लोमा जिस स्ट्रीम से किए हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो तो इलेक्ट्रिकल से 50 क्वेश्चन लगेंगे, इस टाइप से सबको बांटा गया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम और कुछ देख लेते हैं कब से कब आप फॉर्म को भर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ एप्लीकेशन फी आपको लगेगा 250 रुपया, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में भी 250 लगेगा, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में आपको लग जाएगा 150 रुपया इसको फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली सेल की वेबसाइट में जाना है, sale.co.in में। उसके बाद वहाँ पर करियर में जाओगे, करियर में जाने के बाद वहाँ से आपको लिंक दिखाई देगा, करियर में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और आगे कुछ बता दे रहा हूँ इसकी जो तिथियाँ हैं दोस्तों, ये
20 तारीख से ऑनलाइन हो गया है और ये 11-10 यानी 11 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम बाद में बताया जाएगा दोस्तों, आपका फॉर्म भरने के बाद 2-3-4 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होंगी, आप लोग अगर डिप्लोमा पास आउट हो तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।